बिजनेस करना अगर उतना ही आसान होता जितना बिजनेस करने से पहले आपका एक्साइटमेंट आपको बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस देता है, तो आज हर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता। ये बात सच है कि 90% लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते, 30% तो बिजनेस स्टार्टिंग के 2 ईयर में ही फेल होकर बंद हो जाते हैं और 50% बिजनेस स्टार्टिंग के 5 ईयर में बंद हो जाते हैं। 60% बिजनेस जो लो बजट के साथ चल रहे थे स्टार्टिंग के 10 साल तक ही टिक पाते हैं। आज मैं आपको इस डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिससे आप जान सको, सीख सको और समझ सको कि मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, जिससे अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इन मिस्टेक से बचकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकें। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप इन मिस्टेक से बचने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। मुझे विश्वास है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के बाद एक कदम सक्सेस की ओर जरूर बढ़ाओगे। फर्स्ट है नो बिजनेस प्लानिंग नो सेल्फ आइडियाज। जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है क्या वो बिजनेस आइडियाज आपका अपना खुद का था? क्या आपने किसी को देखकर बिजनेस स्टार्ट किया है? क्या किसी ने आपसे कहा है कि उस बिजनेस की बहुत डिमांड चल रही है, तेरे पास पैसा भी है तू स्टार्ट कर ले, और आपने स्टार्ट भी कर लिया? सर ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। जब तक आपका अपना आइडिया नहीं होगा उस आइडिया थॉट को पूरा करने के लिए पूरी बिजनेस प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप एक कंपनी नहीं चला सकते। ये बात कोई मैटर नहीं करती कि उस आइडिया पर पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जो आइडिया आना चाहिए वो आपके माइंड से आना चाहिए। अगर आपके माइंड से आएगा तो आप उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, 6 महीने साल भर में टोटल नॉलेज इकट्ठा करोगे उसके बारे में, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और इसी नॉलेज से स्टार्ट होगी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लानिंग की। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरी प्लानिंग बनाइए। जो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पूरा बिजनेस मॉडल बनाइए। जो आपके कॉम्पिटिटर पहले से मार्केट में उतरे हुए हैं उनके बिजनेस मॉडल को जानिए, सीखिए और समझिए क्या उनका बिजनेस मॉडल है, क्या प्लानिंग उन लोगों ने कर रखी है। अगर उनकी कंपनी आज से 20 से 30 साल पुरानी है तब उनका बिजनेस मॉडल ये है, तो आज आप उससे बेहतर बिजनेस मॉडल क्या बना सकते हो? जो लोग आज से 30 साल पहले ये कर चुके हैं उससे बेहतर हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, यह हमें सोचना है और करना है। अगर आपके बिजनेस मॉडल में दम है तो आपके बिजनेस को कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस मॉडल आपकी नींव है। वो कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत घर बनेगा। अपने बिजनेस की नींव को मजबूत कीजिए, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाइए। सेकंड नंबर पर रखना चाहूंगा सिनेरियो एनालिसिस। जो नए और छोटे बिजनेसमैन हैं वो डे बाई डे काम करते जाते हैं, पिछले कुछ समय में जो काम किया है उसका एनालिसिस नहीं करते, जिससे कंपनी का जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंट रहता है। लास्ट वीक मंथ या ईयर में किए गए काम का एनालिसिस ना करने की वजह से उनको पता ही नहीं चल पाता उन्होंने इस वीक मंथ या ईयर कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, कंपनी का प्रॉफिट रेट किस दर से इंक्रीज हो रहा है, किस स्टेट शहर या किस प्रोडक्ट का ग्राफ ज़्यादा है किसका कम है। मोस्टली सारे बिजनेसमैन सिनेरियो एनालिसिस को इम्पोर्टेंस नहीं देते और बिजनेस को फ्लॉप कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पास्ट में किए गए काम का एनालिसिस करना है और फ्यूचर के लिए भी तैयार करके रखना है, फ्यूचर को कंट्रोल करना है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग का एनालिसिस करना है, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना है, इनोवेशन का एनालिसिस करना है, हर उस छोटी से छोटी चीज़ का एनालिसिस करना है जिसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। हमेशा ग्राफ इस शेप में इंक्रीज होना चाहिए, नोट लाइक दिस। थर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाए तो प्रोडक्ट का बेस्ट होना कोई मायने नहीं रखता। आज इस डिजिटल दुनिया में बिजनेस फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग का ना होना। आपके कॉम्पिटिटर जो पहले से ही मार्केट में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जिसके चलते आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते, अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाते, कस्टमर पर अपना इम्प्रेशन नहीं जमा पाते और आपका बिजनेस फ्लॉप होकर बंद हो जाता है। आप बिजनेस स्टार्टअप में नेटवर्क मार्केटिंग का यूज कीजिए, अपनी टीम बनाइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने प्लान के बारे में बताइए, बोर्ड दीजिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए,
बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। नेटवर्क बनाकर आप जानोगे आपके कस्टमर को आपसे क्या चाहिए। अगर आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए अगर एक दिन में 100 प्रॉब्लम्स आई हैं और यदि आपने 80 से 90 प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तो इसका मतलब है आप एक दिन में 80 से 90% काम कर रहे हैं। 10% या 20% अभी काम रह रहा है जिसे हमें पूरा करना है, 100% पर लेकर जाना है। मार्केट की नीड को समझिए। जब आप सीधे कस्टमर से जुड़ोगे तो आप कस्टमर की नीड को समझोगे, मार्केट की नीड को समझोगे। नेटवर्क जितना बढ़ेगा उतना ही आपका ब्रांड लोगों के सामने आएगा। देखिए दोस्तों, जो नए बिजनेसमैन हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ को फुल टाइम जॉब पर रख लेते हैं, जबकि कंपनी में इतना काम भी नहीं होता, इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं होता जिसे पूरा करने के लिए कंपनी रात दिन चले। कहने का मतलब ये है कि जो काम पार्ट टाइम वाला एम्प्लॉयज़ कर सकता है, उसके लिए फुल टाइम वाला एम्प्लॉयज़ रखकर पैसा वेस्ट क्यों करना। उस पैसे को कंपनी की ग्रोथ में लगाना ज़्यादा वेस्ट रहेगा। बिजनेस का ऑनलाइन ना होना। 2000 के समय में जो बिजनेस स्टैंडर्ड था वो अलग था, 2020 या उससे आगे का बिजनेस स्टैंडर्ड अलग है और यह स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। अल्बर्टो बिलियर ने कहा था, इंटरनेट एक पैसा कमाने वाली मशीन है। अगर आप इस फील्ड से दूर हो तो आप कम प्रदर्शन कर रहे हो। इस डिजिटल दुनिया में आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा हुआ, जियो हुआ, रिलायंस हुआ और भी ना जाने कितनी कंपनियां ऑनलाइन हैं। आप कोई कार लेते हो, सबसे पहले आप ऑनलाइन सर्च करोगे टाटा ज़्यादा अच्छे फीचर दे रहा है या हीरो अच्छे ज़्यादा फीचर दे रहा है। आप सेटिस्फाई होते हो ऑनलाइन देखकर, वाई करते हो ऑफलाइन, कुछ ऑनलाइन भी वाई करते हैं, लेकिन कस्टमर इम्प्रेस होता है आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखकर। 95% वे बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं जो ऑफलाइन तो हैं पर ऑनलाइन नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो ये है कि असफलता से डरना, लेकिन असफलता ही आपकी सफलता की कुंजी है। लेकिन उस फेल को जीत में बदलना सबसे बड़ी सफलता है। जिंदगी में असफल होने से डरना नहीं, उसे सफलता में बदलने के लिए नए से नए रास्ते ढूंढना। हर नया रास्ता आपको एक नई आस दिलाएगा। नेक्स्ट नंबर पर रखना चाहूँगा एक्सपेंडिंग टू फास्ट। कभी कभी इस कंडीशन में भी बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। जब आपका बिजनेस एस्टेबलाइज हो जाता है, बिजनेस धीरे धीरे सक्सेस की ओर कदम बढ़ाने लगता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन बहुत फास्ट एक्सपेंड करने लगते हैं बिजनेस को, और तेज़ी से एक्सपेंड करने के चक्कर में ही बिजनेस को ऐसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जिसकी ना तो पूरी नॉलेज होती है, ना ही पूरी तरीके से मार्केट तैयार होता है और ना ही कंपनी के फ्यूचर के लिए बजट तैयार होता है। तो ऐसे में बिजनेस का ग्रोथ गिरने लगता है, बिजनेस फेल होने लगता है। बिजनेस की ग्रोथ धीरे धीरे जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये समझने में थोड़ी भी हेल्प मिली है कि स्टार्टअप के कुछ ही समय बाद बिजनेस बंद क्यों हो जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह बिजनेस, करियर और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए।